जख्म गहरा है, दर्द तो होगा ना। किसने कहा था मेरे पीछे नंगे पैर भागने को? सब सस्का का कसूर है। अस्सलाम वालेकुम मैडम। मैडम मैं आज नहीं आ पाऊंगा। दरअसल वो कांच मेरे पाँव में लग गया है बेध्यानी में, बस वो पाँव के आर पार ही हो गया है, तो मेरा आना ज़रा मुश्किल हो जाएगा। चले चले, मैं करता हूँ। ओके, अल्लाह हाफिज़। ओह अल्लाह, मैडम का फ़ोन था, वो कह रही है कि अजलान साहब आ रहे हैं और वो परेशान हो रही हैं, क्या करूं मैं? जाहिर है, चला तक तो जा नहीं रहा, कैसे जा सकते हो? तुम चली जाओ। मैं? ना बाबा ना, मैं नहीं जा सकती। बेगम साहिबा के तो हजार नखरे हैं, वैसे भी उनको मेरा कोई काम पसंद नहीं आता, हर चीज में नुक्स निकालती। तो क्या मैं इस हालत में जाऊं? तुम्हें कौन कह रहा है? अस्का और अम्मा को भेज दो। नहीं, अस्का नहीं, अस्का पहले कभी नहीं गई है और अम्मा से अकेले होगा नहीं ये सब। आज चली जाएगी तो कुछ नहीं होगा, बेगम साहिबा उसको बता देंगी कि क्या पकाना है और अम्मा के साथ किचन भी संभाल लेगी। अम्मा, अम्मा, सुल्तान बुला रहे हैं। सुल्तान, दर्द में कुछ कमी हुई? नहीं अम्मा, बहुत दर्द हो रहा है। वो बेगम साहिबा का फोन आया था, आप और अस्का उनके घर चले जाएं। सुल्तान तो इस हालत में जा नहीं सकते। अब मैं सुल्तान को देखूं, घर को देखूं या बाकी सब कुछ करूं? अस्का, लेकिन कमल वो, उसकी छुट्टियां हैं अम्मा, वैसे भी सारा दिन घर में फारिग बैठी रहती है। मैं जा सकती हूँ, सुल्तान जा सकती हूँ, तो वो क्यों नहीं जा सकती? बस आप भी साथ चली जाए ना, किचन के कामों में उसका हाथ बटा दीजिएगा। अच्छा, फिर मैं और अस्का जाते हैं।